वो 2 लाख, उसका क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी इस गुफ़अप की वजह से हमारे चैनल को कितना बड़ा लॉस होगा? Do you have any idea? हम खबरों के दलाल हैं। हमारा काम है दुनिया के सामने खबर लाना, उसकी सच्चाई को पेश करना, समाज को आईना दिखाना, जो हम माही मल्होत्रा की स्टोरी को रन करके करते हैं। इंसान ही नहीं रहे रोनी, कोई इंसानी जज्बात बचा ही नहीं हमारे अंदर। किसी का दर्द, किसी की बेबसी पे कोई असर ही नहीं कर सकती। यार, मैं ये सोच के रिपोर्टर नहीं बनी थी कि न्यूज बेचूंगी बस किसी भी हाल में, लोगों की जिंदगी के घाव को खोल खोल कर कैमरा पे दिखाऊंगी, हेडलाइंस बना के, ब्रेकिंग न्यूज बना के। नहीं सोचा था ये सब। मैं गलत नहीं हूं यार, मैं सिर्फ उस माई मल्होत्रा को बचाना चाहती थी। आई नो, मैं उसकी स्टोरी करने ही गई थी, पर उसे देखकर, उससे मिलकर, अगर तू उसे देखे ना, तू भी नहीं चाहेगा कि कोई उसे वैसे देखे, कोई उसके बारे में कुछ भी जाने। उसको होश ही नहीं है खुद का। और कबीर सर चाहते हैं कि मैं उसे इस हालत में, उस जिंदा लाश को यहां ले आऊं, ताकि हम उस पर कैमरा फोकस करें और सारी दुनिया को दिखाएं कि देखो केकेएन चैनल ने क्या ढूंढा है, क्या पर्दाफाश कर दिया है। क्या दिखा रहे हैं हम? ड्रग्स का एक इंसान पर बुरा असर या एक इंसान की इज्जत? यार सुन, तू रोना बंद कर, ठीक है? हम सब हैं, विल हैंडल इट, सब ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। रोनी, पंगा तो हुआ है इससे, आफ्टर ऑल चैनल की रेपुटेशन का सवाल है। लक्ष्मण, तुमने अनन्या का पीछा किया था ना, कहाँ ले गई वो माई को? हाँ, उसी नशेड़ी लड़की को यार। उसे तो वो अपने घर ले गई है, वो जो उसका खबरी है ना टीनू, वो उस लड़की के साथ है, अनन्या के घर पर ही। बोलो क्या करना है? आगे देखिए, ड्रग्स की चपेट में जाने माने लोग, 9 बजे की खास खबर कबीर शर्मा के साथ। ओके, सुनो ध्यान से लक्ष्मण, और ध्यान रहे, तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ओके ओके कबीर भाई। जिस समाज में हम जी रहे हैं वहां सब धंधा है, सब दलाल हैं किसी ना किसी चीज के। मैं आज रात जो न्यूज मैंने प्रॉमिस की है चला कर रहूंगा, विद यू विदाउट यू। गेट आउट।
नाम खालिद सर ने आपको बुलाया है। I really don't understand इनका problem क्या है। Everybody in this channel has issues. Huh? What do you want me to? आपने मुझे बुलाया? हाँ, अनन्या। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। कैसी हो तुम? Oh, come, बैठते हैं। कुछ बात करें। Oh, come on, relax. Come, come. Relax. Sit down. Sit down. Sit down. Make yourself at home. Sit down. पानी पानी पियोगे? You know, Ananya, मैं जानता हूं कि एक रिपोर्टर का जॉब कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। मैं ये भी जानता हूं कि चैनल की रेटिंग, उसकी पोजीशन, इस सब का प्रेशर तुम लोगों पे नहीं आना चाहिए। But what to do? It's a job. What I mean to say is कि तुम लोग वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे हो, स्टोरीज ला रहे हो, स्कूप्स ला रहे हो, we can't ask for anything more, can we, Malvika? Absolutely not. वो कबीर बता रहा था कि तुम्हें माही मिली थी। No, it's okay. बता रहा था कि तुम्हें कोई इमोशनल या मॉरल इश्यूज हैं। अनन्या, let me tell you. मैं तुम्हें हमारे बिजनेस के बारे में बताता हूँ। सिर्फ इंसानियत के इश्यूज है सर। What? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम इंसान नहीं है? 8 years young lady, 8 साल से मैं ये चैनल चला रहा हूं, आज तक एक भी कंप्लेन हमारे खिलाफ नहीं आया। एक ऐसी न्यूज नहीं पड़ी गई हमारे चैनल पे जिससे किसी को कोई मॉरल इश्यूज हो। और ऐसा नहीं है कि हमने स्कूप्स और स्कैम्स एक्सपोज ना किया हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। कहीं तुम्हारा कबीर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो जो कबीर से जलते? वेल इन दैट केस मिस अनन्या कश्यप, लेट मी टेल यू समथिंग। KKN चैनल में जो तुम जैसे जूनियर रिपोर्टर को फ्रीडम और मौके मिलते हैं ना, वो इस बिजनेस में किसी को नहीं मिलते, समझे? तो 2 लाख, 2 लाख मांगे थे तुमने, बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें दे दिए गए। दिए गए कि नहीं? तुमने क्या सोचा ये तुम्हारा बाप का बिजनेस है? सर प्लीज, आपको इस तरह मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आपके 2 लाख रुपए मैं कल दोपहर तक लौटा दूंगी, ओके? It's not about the 2 lakh. 1 मिनट अनन्या। तुम्हें क्या लगता है, तुम हम पर एहसान कर रही हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे यहां तुम्हें सब टॉर्चर करते हैं। क्या गलत कहा खालिद ने? तुम्हारे पास एक स्टोरी है जो तुम हमारे साथ नहीं शेयर कर रही हो, जबकि तुम हमारे लिए काम करती हो। At the end of the day, this is your job. और तुम्हें इसकी तनख्वाह मिलती है। तुम्हारी लॉयल्टी इस चैनल के लिए होनी चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल से। ऑलरेडी हमारी चैनल की रेपुटेशन दाव पर है और तुम हमें एटीट्यूड दे रही हो। मेरी लॉयल्टी, मेरा प्रोफेशनलिज्म मेरी इंसानियत से बढ़ के नहीं है, आप लोगों के लिए होगा शायद। मैं माही की लाचारी को एक्सपोज नहीं करूंगी। आई विल नॉट सेल हर। शक्ल से इतनी कमीनी दिखती नहीं है। कमीनी नहीं खालिद, जिद्दी है। शी इज जस्ट लाइक कबीर। पता नहीं आज 9 बजे क्या होगा। और गृह मंत्री ने आज बयान दिया है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति के संबंध इस वक्त एशियाई उपमहाद्वीपों की प्रगति के लिए अनिवार्य है। ऑल गुड।
कबीर सर ने कहा है कि 9 बजे की ब्रेकिंग न्यूज का अनाउंसमेंट मानव सर करे लास्ट। जो भी है मानव को बता दो। जी मानव सर, साइन आउट करने से पहले आपको 9 बजे की ब्रेकिंग न्यूज का अनाउंसमेंट करना है, कबीर सर ने कहा है। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। मैं हूं आपके साथ मानव गुप्ता, और कल 8 की बात में मिलना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। तुमसे जो कहा गया था वो तुमने क्यों नहीं किया? मालविका, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, खबरें, विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट्स नहीं। वैसे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। बाद में बात करेंगे। ऑलराइट, तो यही बात कर लेते हैं सबके सामने, हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं वंस एंड फॉर ऑल। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ इसलिए अफेयर किया क्योंकि तुम केएल की बेटी हो, या मुझे एडिटर इन चीफ की कुर्सी चाहिए थी, या मैं कबीर से जलता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बट द फैक्ट इज, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए अफेयर किया था बिकॉज यू आर हॉट, यू आर अट्रैक्टिव, हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनने लग गई, मुझे मजा आने लग गया, दैट्स अबाउट इट। और तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस देती हो ये सोच के कि मैं कबीर से चिढ़ता हूं या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता हूं तुम्हें पाने के लिए। सॉरी, बट द फैक्ट इज, आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ एंड आई विल सजेस्ट यू कि लाइफ में आगे बढ़ो यार, मूव ऑन बेबी, क्योंकि जो रिश्ते परमानेंट नहीं होते ना, उसकी दलदल में फंसे रहने से कोई फायदा नहीं होता। यू गेटिंग इट? Good. Take care. Ananya, I like what you did. पर तुम्हें एक बात कहूं, हालांकि तुम्हारे इस स्टैंड की कोई इज्जत नहीं करेगा यहां पे, बट इट वॉज गुड। और हाँ, किसी के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि यहां पे तो एक छत्र राज चल रहा है ना किसी का, और बाकी सब तो बिके हुए। सो यू मस्ट नो दैट। मानव ने सही जवाब दिया ना मालविका को? पता नहीं, बट ऐसे सबके सामने पर्सनल बात करना इज नॉट राइट। और कुछ कहे ना कहे मालविका है तो ओनर की बेटी। ओके लक्ष्मण, थैंक्स। रिचा, टीम लोअर कवरेज पे निकल जा। कहाँ सब? मैं SMS करता हूँ, ओबी वैंस लेकर जाना, लाइव टेलीकास्ट है। कौन से नए बवाल में फंस गए? आगे देखिए, ड्रग्स की चपेट में जाने माने लोग, 9 बजे की खास खबर कबीर शर्मा के साथ। अनन्या, माँ घर में सब ठीक है ना? माही, माही ठीक है ना? अरे बेटा, माही तो ठीक है, वो अभी भी सो रही है, लेकिन अरमान घर नहीं लौटा और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आ जाएगा माँ, मैं भी घर ही आ रही हूँ। ऑलरेडी 2 इंजेक्शन ले चुकी हूँ। वो कह रहे थे कि रोज एक इंजेक्शन लगेगा। कबीर सर ये सब दिखाकर
चैनल की रेटिंग्स बढ़ाना चाहते हैं। क्या? माँ। हाँ। क्या बिजनेस ही सब कुछ होता है? तुम्हारे पापा पे जब गलत आरोप लगे थे ना, तो उनके बॉसेस, उनके साथ काम करने वाले और मीडिया, ये सब उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। तब घर आके वो मुझसे यही सवाल पूछते थे, क्या बिजनेस ही सब कुछ होता है? कबीर, क्या बोलने वाले? अरे मुझे तो पता होना चाहिए, लोगों के फोन आने शुरू हो गए और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कबीर, तुम्हें क्या फोन आ रहे हैं खालिद? बाहर तो किसी को कुछ पता ही नहीं, पर फिर भी लोग पूछ रहे हैं ना मुझसे कि 9 बजे के न्यूज में क्या होने वाला है। हाँ तो कह दो उनसे कि वही होने वाला है जो हमने प्रोमोज में प्रॉमिस किया। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं देश की अहम सुर्खियों के साथ। लेकिन जरा ठहरिए, सुर्खियों से पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। जब देश का हाल बयां करने वाली यह न्यूज हो तो सुर्खियां कुछ देर के लिए इंतजार तो कर ही सकती हैं। जी हां, मेरा इशारा है उन कुछ सवालों की ओर जिन्हें आप आज शाम से हमारे टेलीकास्ट में पढ़ रहे हैं। ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ क्या हमारे समाज का अंग है? क्या ये हमारे समाज के बदलते 5-स्टार कल्चर का नतीजा है? क्या ये नए लाइफस्टाइल का प्रतीक है? कितना गहरा है सेलिब्रिटीज और ड्रग्स का रिश्ता? ये अभी भी ये न्यूज कैसे चला सकते हैं? उनके पास माही तो है ही नहीं। अब से 3 या 4 मिनट पहले हमारे शहर के एक नामी होटल में पुलिस ने छापा मारा और वहां चल रही पार्टी को रोका। छापे में ड्रग्स मिली है पुलिस को, जो कि खुलेआम इस्तेमाल की जा रही थी उस पार्टी में, और ये पार्टी जाहिर है इसी शहर के कुछ सेलिब्रिटीज रईस लोगों की थी। हमारी रिपोर्टर रिचा मौजूद है वहां और ये है उनकी लाइव रिपोर्ट। हम मौजूद है ईस्टर्न होटल के बाहर, जहाँ पे पुलिस ने अभी अभी छापा मारा है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि अंदर चल रही प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स की बिक्री होने वाली। हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर अरुण खुराना, जो कि इस रेड के इंचार्ज है। आइए चल के उनसे कुछ बात करते हैं। सर, सर, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेड में आपको क्या मिला? देखिए मैडम, अंदर पार्टी में खुलेआम ड्रग्स बांटा जा रहा है। मैं पहले शक था कि एक ट्रेव पार्टी थी जिसको प्राइवेट पार्टी बताया जा रहा है। पैसा लाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ से एक ड्रग सप्लायर को अरेस्ट किया जिसकी दिल्ली पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। थैंक्स। थैंक यू सर। कैमरामैन सनी के साथ रिचा लखानी, केकेएल। थैंक यू रिचा इस रिपोर्ट के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर ऐसे दृश्य हमारे समाज में एक आम बात बनते जा रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि युवा पीढ़ी के सामने नशे का रास्ता कितना आसान बनता जा रहा है। क्या सरकार, प्रशासन और आम समाज का ये मिला जुला दायित्व नहीं है कि हम इसके खिलाफ सतर्कता बढ़ाएं? हम मीडिया वाले समाज को आईना दिखा सकते हैं, पर इस पर कार्यवाही करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज का पाप है। कभी सभी बड़े छुपे रुस्तम निकले ना, मतलब जोर का धमाका भी धीरे से और चुपके से करते। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार आज की सुर्खियां। और जाने से पहले एक छोटी सी बात, जरा हटकर न्यूज की दुनिया में एक रिपोर्टर के अपने जज्बात की क्या जगह होती है, उतनी ही जितनी जंग में लड़ रही एक सिपाही की। वो सिर्फ अपना फर्ज निभाता है, उसका रिश्ता सिर्फ फर्ज से होता है, ना खुद से ना किसी अपने से, क्योंकि उसी के भरोसे उसकी टुकड़ी, उसकी फौज, उसका देश कल सुबह की किरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं।